हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज चलो बनाते हैं कुछ मीठा। उसके लिए सबसे पहले बाउल लिया मैंने, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और ये डाल दिया मैंने चीनी, 5 से 6 चम्मच चीनी दी। इनको हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। मैंने लिया था नॉर्मल पानी। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लो, उसमें शुगर डाल दो, वो बहुत जल्दी से मिक्स हो जाएगी। पर मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैंने नॉर्मल पानी लिया और इसको ऐसे मिक्स करते रहे। उसके बाद एक दूसरा बाउल लिया, उसमें मैंने उधर आटे को छान लिया है और ये जितना मुझे आटा लेना है उसके अकॉर्डिंग मैं आटा लेती हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो निकाल दिया। अब वही मीठा पानी लेते हैं और उसको आटे के अंदर डाल देते हैं धीरे धीरे। अब इसको धीरे धीरे मिक्स करते हैं। ठीक है, ये हाथ से भी मिक्स हो जाता है। अगर आप हाथ से करना चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो, बट मैंने सोचा क्यों हाथ को गीले करना, अगर स्पून से हो जाए तो स्पून से ही कर लेती हूँ। तो अब पानी की कमी है इसमें, बाकी का पानी धीरे धीरे करके डाल देते हैं। एक साथ नहीं डालना कि कभी ज़्यादा पतला हो जाए। तो इसलिए टुकड़ों में डालना, पानी पता चलता रहेगा। अभी भी पानी की कमी है और बाद में डालना पड़ेगा। ये मैं आज बना रही हूँ गुलगुले, जिनको मीठे पूड़े भी बोलते हैं। तो वो खाने का मन कर रहा था मेरा काफी दिनों से। तो देखो, गांठ नहीं बचनी चाहिए इसके अंदर, आप ये ध्यान रख लेना। अगर आप स्पून से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप हाथ से भी इनको मिक्स कर लेना, या फिर कोई आइटम या गैजेट टूल वगैरह कुछ भी यूज कर लेना मिक्स करने के लिए इनको। तो देखो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, कहीं पे कोई गांठ वांठ नहीं रही है इसमें। देखो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है अभी। तो अब बनाने की तैयारी करते हैं। उधर मैंने कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया, अब एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखती हूँ कि तेल गर्म हुआ है नहीं। तो तेल गर्म हो चुका था, फिर मैं वही छोटी वाली स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पेस्ट डाल देती हूँ। नॉर्मल रखना आप, ज़्यादा मोटे भी मत डालना, वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मीडियम साइज़ के ही बनाना आप, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। ठीक है, ये लास्ट। थोड़ी सी देर ऐसे ही पकने देते हैं इनको। फिर ये मैंने इधर चाकू यूज़ कर लिया, इस चाकू की हेल्प से इनकी साइड को धीरे धीरे चेंज कर देंगे, क्योंकि देखो इस साइड से तो पके हुए नज़र आ रहे हैं ये हमें।
अब इनको धीरे धीरे ऐसे ही बनने देंगे, और इनको आप खीर के साथ खा सकते हो। खीर में मीठा मत डालो, मीठे ही हो चुके हैं। खीर को फीकी रखो, बहुत टेस्टी लगेंगे खाने में। या फिर आप विदाउट खीर भी खा सकते हो, ठीक है? तो आप बताना ज़रूर खा के कि कैसे लगे। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।